subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 9th English 1.5 The Necklace, English Workshop Activities. Aziz Tulba Talibat, 1.5 The Necklace, Navi Jamaat ke English Workshop Activities aur Sawalat ke Jawabat aur सरगर्मियों की वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 1.5 द नेकलेस। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ऐसे तरतीब दुरुस्त कर लीजिए। ये सिर्फ तीन ही स्टेटमेंट है। मथिल्दे लाइक विजिटिंग हर रिच फ्रेंड, मथिल्दे को अपने अमीर दोस्तों से मिलना पसंद था। आंसर फॉल्स। मथिल्दे थ्रू द पार्टी इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, मथिल्दे ने जो पार्टी इन्विटेशन मिला था उसे फेंक दिया था टेबल पर। ट्रू, बिल्कुल भी फेंक दिया था। मोजे लॉजिल हैड बिन सेविंग मनी टू बाय अ गन, जो उसका हस्बैंड था मथिल्दे का लॉजिल, वो क्या कर रहा था, गन ख़रीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। ट्रू। Why was Mathilde married to a minor official? ये A टू एक्टिविटी है। मथिल्दे ने एक आम से ऑफिशियल से शादी क्यों की? मथिल्दे was married to a minor official because she was born in a family of clerks and therefore was middle class section of society. मथिल्दे जो है उसने एक minor official से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो क्लर्क के ख़ानदान में पैदा हुई थी और वो मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती थी। इसका दूसरा है, वॉज द हस्बैंड अ कंसिडरेबल पर्सन, हाउ वी नो डैट, जो मथिल्दे का हस्बैंड था वो एक मुनासिब आदमी था, हम इसे कैसे जान सकते हैं। यस द हस्बैंड वॉज कंसिडरेट पर्सन, हिज सेल्फलेस एंड काइंड बिहेवियर शोज इट, यानी जो मथिल्दे का हस्बैंड था वो एक मुनासिब आदमी था, वो बेलॉस आदमी था, उसका रहम दिल था। ही हैड बिन सेविंग मनी फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए पैसे जमा कर रहा था। सो डैट ही कुड बाय अ गन फॉर हंटिंग इन समर, ताकि वो एक गन ख़रीद सके ताकि गर्मियों की छुट्टियों में वो शिकार पर जा सके। बट एज सुन एज ही सॉ हिज वाइफ वॉज अनहैप्पी एंड वॉन्टेड मनी, ही गेव ऑल हिज मनी। ये थोड़ा सा इसमें कुछ दो सेंटेंस रह गए, एक सेंटेंस रह गया है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी बीवी नाखुश है, उसने वो तमाम पैसे अपनी बीवी को दे दिए। Vocabulary focus, write the meaning of the words. इसमें कुछ words के meaning लिखना है। A hollow, pale figure, an unhappy, exhausted person. A glimpse of hope, a slight chance of success. A hollow, pale figure, an unhappy, exhausted person को कहते हैं। दूसरा, a glimpse of hope, a slight chance of success. तीसरा, her mind blank, unable to think. Sick with grief and anguish, worried, scared. ये सिच हो गया है, इसे करेक्शन कर लीजिए, एच की जगह के होना चाहिए। Sick with grief and anguish, यानी worried and scared, डरा हुआ। A for a grammar activity है, he had found nothing. Rewrite using not. Not का इस्तेमाल करना है, यानी इसे negative sentence बनाना है। He had found nothing, he had not found anything. मतलब बदले बगैर इसका आंसर लिखना था। शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस, उसने वो अपने बॉल ड्रेस में थी। इसका वर्ब अंडरलाइन करना, वर्ब क्या है, रिमेंड। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, हैव यू एवर केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट इट, क्या आपने अपने दोस्तों से अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ छुपाई है। I like sports and without my parents' information, I took part in state level competition in running and got first prize, but I did not tell them about it. यानी मुझे खेल कूद के मुकाबले पसंद थे, मैंने अपने वालदैन को नहीं बताया और मैंने उसमें स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लिया और फर्स्ट प्राइज़ जीता, बट आई डिड नॉट टेल देम अबाउट इट, लेकिन मैंने इसके बारे में अपने वालदैन को कुछ भी नहीं बताया। फैक्चुअल रीडिंग अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट, हु सैड इट एंड टू होम, ये किसने किससे कहा। आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी को नहीं जाऊँगी। द अबो सेंटेंस वॉज स्पोकन बाय मथिल्दे टू हर हजबेंड। चूज माई डियर, ये इसका आंसर क्या है, मैडम फॉरेस्टियर स्पोक टू मथिल्दे।
वाई डिड मथिल्दे वीप विथ मिजरी, मथिल्दे रोई क्यों थी, मथिल्दे वेट विथ मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूल मेट बिकॉज शी इन्वाइट हर फ्रेंड फॉर पर्सेसिंग ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। मथिल्दे रोने लगी क्योंकि वो अपने दोस्त के पास गई थी, उससे मुलाकात करके आई और उसे जलन महसूस हो रही थी कि उसे ज़िंदगी के तमाम ऐश मैसर है। वाट डिड द एनवेलप होल्ड, एनवेलप में कौन सी चीज़ थी। द एनवेलप हेल्ड एन इन्विटेशन बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिक्वेस्टिंग द कंपनी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल एट द मिनिस्ट्री ऑन January 18th इन द इवनिंग। ये एक पार्टी का इन्विटेशन था जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया था मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल के नाम पे, और वो 18 जनवरी को शाम में एक पार्टी थी, उसका इन्विटेशन था। वोकैबुलरी फोकस है, मैच द नाउंस विद द एडजेक्टिव्स। माइनर हाउस यानी माइनर, शैबी, पैलाइटियल और क्लोज, इसको आपको या इसे मैच करना है। हाउस, मैंशन, फ्रेंड्स, ऑफिशियल। माइनर ऑफिशियल, शैबी हाउस, पैलेटियल मैंशन, क्लोज फ्रेंड। ग्रामर इन फोकस है, डू एज डायरेक्टेड। शी हैड नो रिच ड्रेस, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है, रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इन्वाइट का क्या बनेगा, इन्विटेशन, इन्वाइटिंग यानी इसका इन्विटेशन। ही सेड आई कैन गिव यू 400 francs। चेंज इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। ही सेड, ही टोल्ड दैट आई कैन, ही कुड गिव यू, गिव हर 400 francs, इस तरीके से बनेगा। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, डू यू एवर फील इन्वाइट अबाउट थिंग्स पजेस्ड बाई योर फ्रेंड्स। कभी आपको अपने दोस्तों के पास कोई चीज़ है तो उससे जलन हुई है। यस, वन ऑफ माई फ्रेंड हैव अ बाइक, हाँ मेरे एक दोस्त के पास बाइक है। ही कम्स एट स्कूल ऑन हिज बाइक, वो अपने बाइक पर स्कूल आता है। आई फील इन्वाइट जेलस अबाउट हिम, मुझे उससे जलन महसूस होती है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ बाइक बट माई पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी, मुझे भी बाइक खरीदना है लेकिन मेरे वालदैन उसकी इजाज़त नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 3 का A1 फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसका सही जवाब ढूंढना है। हाउ मेनी ईयर्स पास टू पे द लोन, यानी जो लोन पे करने के लिए मथिल्दे को कितने साल का वक्फा मिला, 1 year, 6 months, 10 years, मोर देन 2 years, 10 years मिले थे। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये यहाँ पर इसके डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। लॉयजल ट्राई टू सर्च, दूसरा नेकलेस एंड वेंट, ट्राई टू सर्च नेकलेस एंड वेंट पुलिस, न्यूज़पेपर, कैब एजेंसी, सबके पास उसने इंक्वायरी किया था। तो ये लॉयजल ट्राई टू सर्च के नीचे का जो है हिस्सा वो अंडरलाइन करना है। A2 एक्टिविटी, व्हाट वाज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वाज फेयर, ज्वेलर के साथ कौन सा अरेंजमेंट किया था, तो ये क्या से फेयर था। द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर वाज डैट ही वुड टेक द डायमंड नेकलेस पैक फॉर 34,000 francs। ये फॉरेस्टियर नेकलेस वॉज फोर 4,000 francs बिफोर द एंड ऑफ द फेब्रवरी, इट वॉज अ फेयर डील सिंस द ज्वेलर हैड ऑलरेडी रिड्यूस द प्राइस फॉर देम एंड वॉज एवर रेडी टू टेक द डायमंड नेकलेस एट गुड रिटर्न। यानी ये जो अरेंजमेंट था ये फेयर था, तो ज्वेलर ने जो डायमंड नेकलेस था वो वापस लेने का भी वादा कर दिया था 34,000 francs में, अगर फॉरेस्टर नेकलेस वहाँ मिल जाता है फेब्रवरी से पहले। इट वॉज अ फेयर डील, एक अच्छा सौदा था। सिंस द ज्वेलर हैड ऑलरेडी रिड्यूस द प्राइस, चूँकि ज्वेलर ने उसकी कीमत भी कम कर दिया था। एंड वॉज एवर रेडी टू टेक द डायमंड नेकलेस एट गुड रिटर्न, और वो डायमंड नेकलेस वापस भी लेने को तैयार था। वोकेबलरी फोकस है, वर्ड्स आर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अ हेलो पेल फिगर एन अनहैप्पी एग्जॉस्टेड पर्सन, अ ग्लिम्स ऑफ होप, अ स्लाइट चांस ऑफ सक्सेस, हर माइंड ब्लैंक, अनेबल टू थिंक, सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, वरीड, स्कैर्ड। राइट द एंटोनिम्स, पहले का क्या है, ब्रोकन मेंडेड, लेंड बोरो, डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट, पनिशमेंट रिवार्ड। ये वोकैबुलरी फोकस में एक और एक एक्टिविटी है, राइट द नॉन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, चार्मिंग चार्म, एस्टॉनिश्ड एस्टॉनिशमेंट, फेमिलियरली फेमिलियरिटी। ग्रामर इन फोकस है, डू एज डायरेक्टेड, ही हैड फाउंड नथिंग, रीराइट यूजिंग नॉट, ही हैड नॉट फाउंड एनीथिंग,
शी रिमेंड इन हर बाल ड्रेस ऑल नाइट. इसका वर्ब क्या है? रिमेंड. यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड. चेंज द सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड डैट शी मस्ट राइट टू हर फ्रेंड. डू एज डायरेक्टेड. शी स्माइल्ड विथ प्राउड इनोसेंट प्लेजर. अब इसको क्या करना है? कंजक्शन जोड़ना है. तो क्या करेंगे? एंड जोड़ देंगे. शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर. मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टंड. इसका नाउन आइडेंटिफाई करना है. तो नाउन क्या है? मदाम फॉरेस्टियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉरिबल लाइफ ऑफ द पुअर? मथिल्दे एंड हर हस्बैंड हैड रिप्लेस लॉस्ट नेकलेस विथ अ न्यू वन. दिस नेकलेस हैड कॉस्ट देम ऑल ऑफ मनी, जो लॉयजल्स इनहेरिटेंस एंड अ लॉट ऑफ लोन्स. यानी मथिल्दे को और उसके हस्बैंड ने क्या किया, वो नेकलेस जो लॉस्ट नेकलेस था उसको रिप्लेस कर दिया, एक नया ख़रीद लिया. और ये नेकलेस की कॉस्ट कितनी थी? ये उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई की कॉस्ट थी, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्च भी ले लिया था. एंड दे हैड टू शिफ्ट इन टू अ गैरेट एंड लिव द लाइफ ऑफ पुअर पीपल. दिस वॉज फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड दे हैड टू डू मल्टीपल जॉब सो डैट कुड मेक एंड्स मीट. यानी उन्हें बहुत हार्ड काम करना पड़ता था और वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए थे और अब मुख्तलिफ काम करके वो अपनी ज़िंदगी के गुजारे औकात करने लगे. वाई डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मथिल्देस मिजरी? वॉज इट हु डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हो, कौन जिम्मेदार है मथिल्दे की परेशानियों के? वॉज इट हर फ्रेंड हर सेल्फ हर हस्बैंड और द सरकमस्टांसिस? क्या ये उसकी दोस्त या उसका शौहर उसके ज़िम्मेदार है या हालात? आई थिंक मथिल्दे हर सेल्फ एंड हर सरकमस्टांसिस रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर मिजरी. मुझे लगता है कि मथिल्दे खुद और उसके हालात जो है उसके ज़िम्मेदार थे उसकी तकालीफ के. मथिल्दे ड्रीम्ड एंड हर डिज़ायर फॉर समथिंग डैट शी कुड नॉट हैव. मथिल्दे ऐसी सोच रखती थी, ऐसी ख्वाहिशात रखती थी जो उसके पास नहीं था, उसकी भी सोचती थी वो. शी न्यू डैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ एंड येट सिंपल लाइफ वॉजन इनफ फॉर हर. अब वो ज़िंदगी की तमाम जो ऐशो इशरत की ख्वाहिशात थी वो हासिल करना चाहती थी, एक सादा ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी. हर डिज़ायर टू बी अ पार्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक आला तबके का हिस्सा बन सके. एरिस्टोक्रेसी यानी आज़ाद आला दौलतमंद तबका. एंड हर ग्रीड फॉर मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स ब्लाइंडेड हर, और उसकी जो ग्रीड यानी लालच थी जो उसने उसे अंधा कर दिया था. द ऑफर्ड हर अ चांस टू लीव हर ड्रीम फॉर नाइट एंड शी गॉट कैरिड अवे इन इट्स ग्लोरी. दस हर ब्लाइंड ग्रीड एंड अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस लेड टू हर मिजरी. एक रात ऐसी, एक शाम ऐसी आई जिसमें उसे मौका मिल गया था कि वो अपनी बहुत ही ज़्यादा उम्दा ज़िंदगी का मुजाहरा करे, ख्वाबों की तकमील करे, और उस शाम में ही वो अपने तमाम लालच में अंधी हो गई और नाकाबिले नामसाद हालात में फंसती चली गई और तकालीफ का हिस्सा बन गई. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड.